कासिम अली अब्दुल्ला वाल्द यूसुफ, कासिम अली अब्दुल्ला वाल्द यूसुफ, कासिम अली अब्दुल्ला वाल्द यूसुफ। मुलजिम पर लगे सारे इल्जामातों में से अब तक कोई जुर्म साबित नहीं हुआ है और सरकारी पक्ष पूरी तरह से हार गई है, इसीलिए यह अदालत मुलजिम को बाइज्जत बरी करने का हुक्म देती है। इतना ही नहीं, अदालत इस बात से भी इत्तेफाक रखती है कि गरीब औरतों के लिए सेवा केंद्र जो पुलिस रेंट में बंद किया गया है और दूसरी ऐसी ही संस्थाएं जो मुलजिम चलाता था समाज के हित के लिए है और मुलजिम का उद्देश्य अच्छा है, इसलिए मुलजिम इन्हें पहले की तरह दोबारा चला सकता है। इस केस में जो आईपीएस ऑफिसर अपॉइंट किया गया था वो बिल्कुल अनुभवी नहीं था और पुलिस के द्वारा इस केस में इकट्ठा किए गए सारे सबूत और गवाह एक तरफा पाए गए हैं और इसी तरह अदालत को यह भी लग रहा है कि पुलिस ऑफिसर ने कुछ ज्यादा ही तेजी और कम अनुभव का परिचय दिया है। सिर्फ एक खबर के आधार पर बिना किसी ठोस सबूत के उस आदमी के लिए जो समाज के लिए अच्छा काम करता है इंक्वायरी अधिकारी की तफ्तीश पर्याप्त नहीं है। इस केस में अदालत को एक बात और खटकती है कि कुछ लोग बिना किसी जिम्मेदारी के अनाप शनाप खबरें लिख रहे हैं। मनगढ़ंत कहानियां बनाकर और बिना कोई सबूत दिए अगर एक अखबार चाहे तो समाज में किसी को भी कुछ देर के लिए मुलजिम बना सकता है। ऐसे केसेस के लिए ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है। देखो मिलन, मेरी बात सुनो। उन्होंने अखबार वाला बोला लेकिन तुम्हारा नाम तो कहीं उन्होंने मेंशन नहीं किया ना। बात मत करो मुझसे तुम। इस मामले में मेरा नाम मेंशन करेंगे तभी तुम्हें सुकून मिलेगा, है ना? तुम्हारी बात मैंने मानी, इसीलिए आज मुझे ये सब सुनना पड़ रहा है। एक बात तो तय है वकील साहब, कि उस यूसुफ और उसके भाई याकूब के हाथों ही मेरी मौत लिखी है। सुन, तेरे जैसे कायर पर तो ये जर्नलिज्म बिल्कुल सूट नहीं करता। तू इसे छोड़कर कोई और सेफ नौकरी ढूंढ ले। तुम्हारी नौकरी जैसी मेरी नौकरी नहीं है। क्या कहना चाहता है? मेरी नौकरी में प्रॉब्लम है। ये क्या है? ऐसा लग रहा है कि कोर्ट में पति पत्नी आकर तलाक के लिए लड़ रहे हैं। केस खत्म हो गया ना, इसके बाद एक बार फिर से हम लोग अपील करेंगे। अरे वाह, कोई अपील करने की जरूरत नहीं है। एक काम करो वकील, तुम घर जाओ, बारिश से पहले मुझे भी घर पहुंचना है। दरअसल ये अपील हम फिर से नहीं चाहिए। श्री अब क्या हुआ? वो देखो, वो तो तुम्हारी ही बाइक पर बैठा हुआ है। दरअसल कल मेरा एक इम्पोर्टेंट केस है जिसकी फाइल में कोर्ट में ही बुलाया हूँ, मैं उसे लेकर आता हूँ, तुम लोग यहीं रुको हैं। सारा किया धरा तेरा है और तू हंस रहा है। तू ना, तू मुझे एक ना एक दिन। मैं ही एक, इसीलिए मैं कह रहा हूँ हिम्मत से जाकर अपनी बाइक निकालो। इस बारे में वो आदमी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जा जा ना, मैं जीप के पास रहूंगा, तेरे जाने के बाद ही मैं जाऊंगा। बाइक की चाबी दो याकूब, मुझे बहुत काम है। दे दो, अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाओ, मैं उस पर रख दूंगा। ये वही हाथ है ना जिससे तुमने मेरे भाई के खिलाफ लिखा था, और इसलिए मैंने इसे अपने पास रखने का फैसला किया है। आज के बाद तुम्हें खाना, लिखना और शेविंग करना सब एक हाथ से ही करना पड़ेगा। हुँ। हुँ।
तुम और तुम्हारे भाई जैसे क्रिमिनल्स के खिलाफ लिखने के लिए मेरा एक ही हाथ काफी है। वो तो गया, अब तू क्या करेगा? अरे याकूब, अगर तुम्हें अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो उसके लिए ये जगह सही नहीं है। बाहर कहाँ पर आना है तुम बता दो, मैं आ जाऊंगा वहां पर। वो तो नहीं होगा मिलन, लेकिन मैं तुम्हारा हाथ इस कोर्ट के सामने तोड़ना चाहता हूँ, और वो भी आज ही के दिन। जब मैंने देखा कि यहाँ काम करने की जगह कुछ कम है तो मैंने अपनी जीप बाहर ले जाकर खड़ी कर दी। पब्लिक प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी भी तो हमारी ही है ना। हाँ। याकूब भाई, सरकारी पैसों से बने इन बूटों से मार खाने की इच्छा है क्या? तुम अब घर जाओ, घर जाकर एक बकरे को काट कर उसके सूप को अपने भाई को दो। कस्टडी में पुलिस वालों ने उसके शरीर से बहुत खेला है, वो कभी भी टपक सकता है, फिर हमें दोष मत देना। श्री रामकृष्णा, तूने मेरे भाई के साथ जो भी किया है उसकी कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी। शुरू होते ही बाइक लेकर निकल गए सर। कौन है? मैंने पूछा कौन है? एहसान फरामोश, मैं वहां पर उन गुंडों से तेरे लिए लड़ रहा था और तू वहां से भागकर चला आया। अरे इसीलिए तो मैंने न्यूज चैनल बिना बदले लगा रखा है। अब चाकू हटा यार, अगर तेरे साथ कुछ हुआ होता तो न्यूज चैनल की फ्लैश पट्टी पर अब तक आ रही होती कि एएसपी श्री रामकृष्ण घायल हो गया। ओ, अगर मैं वहां बीच में नहीं आया होता ना तो शायद यहाँ कुछ और ही न्यूज स्क्रॉल कर रही होती। खैर छोड़ो, लगता है मेरे सस्पेंशन का समय आ गया है। एसपी साहब कल सुबह तुरंत मुझसे मिलना चाहते हैं, पता नहीं क्या होगा। राइट, लेफ्ट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। तुम्हारे सितारे गर्दिश महर्षि, तुम पर 34 साल तक शुक्र की छाया, ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, याद है? याद है। तो उस दिन तुमने क्या कहा था कि जब शुक्र में इतना खराब समय है तो शनि होगा तो क्या होगा सर? शाम को जब तुम्हारा सस्पेंशन ऑर्डर मेरे हाथ में आया
तो मुझे ऐसा लगा कि जो बात तुमने कही थी वो सही है। लेकिन रेवती नक्षत्र के साथ शुक्र की शक्ति क्या होती है, ये बात आज शाम को जब ये एनवलप मेरे हाथ में आया तब मुझे पता चला। हमारे राज्य की सुरक्षा मामलों को डिस्कस करना चाहिए, इसलिए आज दिल्ली में एक मीटिंग थी। केंद्रीय मंत्री ने हमारे मंत्री से पूरी डिटेल्स मांगी है। दो दिन पहले लोनावला के पास हुए कार बम ब्लास्ट में एग्रीकल्चर प्रेसिडेंट लोक सेवक बाल गंगाधरन भी मारे गए थे। अपने लोगों से जितना हुआ उन लोगों ने केस फाइल कर दी है, लेकिन दिल्ली वाले उस रिपोर्ट से सेटिस्फाई नहीं है। उस केस के बारे में उन्होंने एक फैसला लिया है, आगे की इंक्वायरी तुम्हारे हाथ में सौंपने का आदेश दिया है। अब डिपार्टमेंट की इज्जत तुम्हारे हाथ में, इंस्पेक्टर श्रीराम कृष्ण। सर मैं, ये आप क्या कह रहे हैं, पर वो मुझे कैसे जानते हैं? यही तो इसमें सस्पेंस है। मारे गए बाल गंगाधरन के खानदान का एक लड़का सेंट्रल होम मिनिस्टर के पर्सनल स्टाफ का एक भरोसेमंद आदमी है। तुम्हारी तरह जवान खून है और इस केस को हैंडल करने के लिए उसने सेंट्रल मिनिस्टर को स्ट्रांगली रिकमेंड किया है। वही ऑर्डर इस कवर में है। इस तरह क्या देख रहे हैं इंस्पेक्टर श्रीराम? सर थोड़ी देर पहले आपने एग्रीकल्चर प्रेसिडेंट लोक सेवक कहा उस बाल गंगाधर को, लेकिन आपने एक बहुत जरूरी बात नहीं बताई। ही वॉज अ क्रॉनिक वुमनाइजर। कुछ ही दिन पहले उस पर केस रजिस्टर हुआ है, चार औरतों की इफ टीजिंग का। दैट आई नो, सो व्हाट? इस तरह के कैरेक्टर की वजह से उसने बिजनेस में और राजनीति में किए बेवकूफी से समाज में कई लोग उसके दुश्मन बन बैठे थे। इतना ही नहीं, यूसुफ जैसे एक लफंगे को भी सजा न दिलवा पाने वाले इस यूनिफॉर्म को पहनकर इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन के लिए जाऊंगा तो मेरी क्या हालत होगी? इस बाल गंगाधर के मर्डर के पीछे तुमने जैसे बड़े लोग बताए वैसे लोग होंगे, लेकिन मुझे अभी तक ऐसा कुछ लगता नहीं है। मीडिया के जरिए तुम्हें भी पता चल गया होगा, दक्षा दास नाम की 23 साल की इंजीनियरिंग पढ़ने वाली लड़की ने इस खून को किया है। उस बॉम्ब विस्फोट में वो भी मारी गई है। बाल गंगाधर के ड्राइवर संतोष के आखिरी स्टेटमेंट के हिसाब से दक्षा ने पूरी प्लानिंग के साथ इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया, ये हमें साफ पता चलता है। लेकिन इस दक्षा और बाल गंगाधर के बीच कोई पहचान या किसी भी तरह की कोई दुश्मनी हमारे सामने अभी तक नहीं आई है। इसी एक पॉइंट पर इस केस का इन्वेस्टिगेशन मुझे बहुत ही थ्रिलिंग लग रहा है। सर आपकी बात मैं पूरी तरह समझ गया, लेकिन फिर भी श्रीराम, अब तक इंटरफेयर किए गए केसों की तरह ये कोई चूहे बिल्ली का गेम नहीं है। आई एम श्योर दिस विल बी अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर यू। बाल गंगाधर के ड्राइवर संतोष के आखिरी स्टेटमेंट के वीडियो टेप से लेकर इस केस की इन्वेस्टिगेशन की सारी डिटेल्स इस फाइल में है। एनीवे ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। शुरू से ही वो लड़की हमारे पीछे लगी हुई थी, लोनावाला के आसपास ही। वो जब मालिक ने मुझसे कहा, मैंने इसे साइड दी, उसको आगे जाने के लिए हम लोग भी उसके साथ साथ चलने लगे। दोनों गाड़ी एक साथ चलने लगी, तब उस लड़की ने मालिक की तरफ इशारा किया और फिर उसके बाद ब्लास्ट हो गया। तुम्हें क्या लगता है इसे देखने के बाद? इसमें सोचना क्या है, इस हालत में बेड पर पड़े रहने से अच्छा है कि ये मर जाता, उसमें बड़ी बात क्या है? वो बात नहीं है यार, ये है कि इसमें मुझे शुरू कहां से करना चाहिए, बाल गंगाधर की तरफ से या फिर दक्षा की तरफ से। सच बताऊं तो इस केस में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूं। तुम्हारी बातों से ही मैं समझ गया था कि कुछ तो जरूरी बात है। मुझे ऐसे ही कामों के लिए तो तुम हमेशा याद करते हो। अब तक मेरी जितनी वाट लगी है उतना काफी नहीं है क्या श्री? अरे मैंने तुम्हें पहले भी बताया ना कि अगर तू मेरे साथ रहता है तो मुझे एक कॉन्फिडेंस मिलता है। लेकिन मेरे लिए ऐसा नहीं है। यूसुफ के केस के बारे में मैंने ही तुझे बताया था, अब तू अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। बारिश में धोबी को क्या परेशानियां होती हैं, इस पर मैं एक बेहतरीन लेख तैयार कर रहा हूँ। उसी तरह से मैं बिना किसी डिस्टर्बेंस के अपनी लाइफ जी सकता हूँ। अब तो तू मुझे माफी कर। अरे नहीं चाहिए, इस केस में मुझे तेरी कोई मदद नहीं चाहिए। मैं अपने पक्के प्लान के साथ इस केस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करूंगा। बाल गंगाधर के बिजनेस और राजनीति के टोटल दुश्मनों की लिस्ट है मेरे पास, तुम देखना मैं उन सबको पकड़ूंगा, वो चाहे कितने बड़े वीआईपी क्यों ना हो। हाँ क्या कर लेगा तू? देख श्री, दौड़ लगाने से पहले इस केस के बारे में अच्छी तरह से सोच, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू कर। 100-125 पेज का नॉवेल है ये बाल गंगाधर,
और सिर्फ 2-3 पेज की एक शॉर्ट स्टोरी है उस लड़की दक्षा की। चाहो तो तुम दोनों पढ़ सकते हो, लेकिन हमें सिर्फ एक बात जाननी है। इसका मतलब दक्षा जैसी शॉर्ट स्टोरी से शुरू कर सकते हैं, है ना? बिल्कुल। हाँ, अब एक बात कंफर्म है, मैंने अपने इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत ठीक तरीके से की है, वो भी तुझे पता चले बिना, तेरे कहने के मुताबिक, है ना मेरी अकल कमाल की? साले इस बात पर लात तुझे नहीं, उस आईपीएस की डिग्री देने वाले को माननी चाहिए। चल फूट। अरे तू जा रहा है? अरे रुक, कहाँ जा रहा है? अबे रुक, साथी है मेरा तू साथी है, मैं जो दिया हूँ तो तू मेरा बाती है, नदी की यार मेरा बहती धारा है, सागर जो मैं हूँ मेरा वो किनारा है, साथी है मेरा तू साथी है, मैं जो दिया हूँ तो तू मेरा बाती है, नदी की यार मेरा बहती धारा है, सागर जो मैं हूँ मेरा वो किनारा है। यार बिना जिंदगी एक पल कटती नहीं, जीने की वजह वही साथियों साथियों, वो चाहे बारिश हो या गर्मी सर्दी, संग है यार मेरा वही शाम वो मेरा है सवेरा, ओ साथियों। साथी है मेरा तू साथी है, मैं जो दिया हूँ तो तू मेरा बाती है, कितने साल की थी ये तब? 15 साल की थी तब, जब वो 10वीं में पढ़ रही थी। अखबारों में ये बहुत बड़ी खबर थी साहब। तब भी तुम यहीं पर थे? जी हाँ। इसका मतलब सुदक्षिणा के कत्ल के बाद से दक्षा की मौत तक इस घर में जो कुछ भी हुआ उससे तुम अच्छी तरह से वाकिफ हो, है ना? हाँ। अच्छा भाई, जितनी बातें मैं जानती हूँ सर, उससे ज्यादा अच्छू भाई नहीं जानते हैं। आपको जो कुछ भी पूछना है वो सब आप मुझसे पूछिए सर। ओके। वैसे तो मैं सिर्फ दक्षा के बारे में ही जानना चाहता हूं, क्या थी वो और कैसी थी वो? इसमें से आपके पहले सवाल का जवाब मैं दे सकती हूं, वो ये है कि
जब मेरे पति शिवदास एक एक्सीडेंट में मारे गए थे तब दक्षा की उम्र 6 साल की थी और सुदक्षिणा 12 साल की थी। उन दिनों मैं और वो एक ही कॉलेज में एक ही डिपार्टमेंट में प्रोफेसर थे। एक करोड़पति बाप की इकलौती बेटी होने के बावजूद जिंदगी जीने के लिए मैंने नौकरी ढूंढी। पति के मरने के बाद एक मर्द के बिना कोई औरत कैसे अपनी जिंदगी जी सकती है, ये डर मुझ में आ गया था। कॉलेज में उनके बदले पढ़ाने आए वो आदमी मेरे जिंदगी में भी उनके बदले आ गए थे और उस दिन के बाद से सब गलत होने लगा। इस दुनिया में पैदा हुई एक औरत को गंदी नजर से देखने वाले उस आदमखोर आदमी ने खुद की बेटी मानने वाली मेरी बेटी सुदक्षिणा के साथ दक्षा की आंखों के सामने उस दिन मैंने सिर्फ सुदक्षिणा को ही नहीं खोया बल्कि दक्षा को भी खो दिया। उस दिन के बाद से वो मुझे माँ कहकर नहीं पुकारती। 3 साल बाद उसे बेगुनाह करार करके कोर्ट ने उस आदमी को रिहा करने का अपना फैसला सुना दिया। हाथ में चाकू लेकर दक्षा ने उस पर वार किया लेकिन अच्छी किस्मत थी उसकी, वो बच गया। उसके बाद उस आदमी पर कोई वार हुआ क्या दक्षा की तरफ से? मेरी जानकारी के मुताबिक एक बार ऐसा और हुआ था जब वो 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रही थी शहर के एक बुक स्टॉल में। मरते दम तक अपने दूसरे बाप से बदला लेना, आई एम सॉरी मुझे उनका नाम नहीं पता। अरुण, अरुण पानीकर। मिस्टर पानीकर से बदला लेने की इच्छा दक्षा के मन में शुरू से बसी हुई थी? शुरू से नहीं लेकिन जैसे जैसे दिन निकलते गए उसका बदला तेज होता गया। इसका मतलब जब दक्षा ने बदला लेने का सोचा होगा तब उसके आंखों के सामने उसी का यानी अरुण पानेकर का चेहरा आया होगा। जी हाँ। तो फिर बीच में बाल गंगाधर कहां से आ गए? दक्षा का उनसे बदला लेने का क्या मतलब बनता है? मैं नहीं जानती सर, बदले का तो पता नहीं लेकिन वो उस आदमी को पहचानती भी थी ये ठीक से नहीं पता सर। ये दक्षा का रूम है, घर आने के बाद ज्यादातर समय वो यहीं गुमसुम बैठती थी। ये कंप्यूटर दक्षा का ही है ना? जी हाँ। कैन आई प्लीज? यहाँ पास में कोई स्टोन क्वारी है क्या? ऐसी आवाज हमेशा आती है। ये कुछ 1 किलोमीटर के दायरे में। weaponsworld.com, firearmsworld.com, totaldestroyer.com, armsandammunitions.com। उसकी मौत के बाद में या पहले किसी और ने इस कंप्यूटर को इस्तेमाल किया था क्या? नहीं, सिर्फ वही इस्तेमाल करती थी। ओके। क्यों सर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है, नथिंग। यहाँ अच्छू के अलावा घर में और कोई नहीं है, मतलब नौकर चाकर? कुकिंग और सफाई के लिए पास से ही एक औरत आती है, जब कभी उसका पति खाली होता है तो वो यहाँ आकर बगीचे की सफाई करके जाता है। वो चट्टान विस्फोट का काम करता है। उसका नाम क्या है? कालू। ओह
लेकर जाऊंगा। अगर कोई आगे आया तो पत्थर की तरह इसकी खोपड़ी भी फट जाएगी। बाल गंगाधर को मारने और खुद को खत्म करने के लिए दक्षा ने उस बॉम्ब का इस्तेमाल किया था जिसमें 40% से ज्यादा गन पाउडर इस्तेमाल हुआ था। इसका मतलब वही धमाका पाउडर जो चट्टान विस्फोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं ये जानना चाहता हूं कि तुमने दक्षा को सिर्फ धमाका पाउडर ही दिया था या उसके साथ सफेद पत्थर एल्यूमिनियम पाउडर को दो बोतल में मिक्स करके दिया था जो कि दो कारों को उड़ाने की ताकत रखने वाला एक रिमोट कंट्रोल्ड बॉम्ब था। मैंने उस लड़की को बम तो क्या एक माचिस की तिली भी नहीं दी है सर। वो बिल्कुल पागल लड़की थी सर। अगर उसका पागलपन इस हद तक बढ़ गया तो मैं उसका जवाब क्या दे सकता हूँ सर। मैं जानता हूँ तेरी शराफत के पीछे क्या है। तू पुलिस के सामने है। कालू ये क्या है? अब तक तुम पकड़े गए दारू पीकर मारपीट वाला केस नहीं है, ये कत्ल हुआ है, वो भी सुइसाइड बॉम्बिंग। अगर तुम हमारा साथ नहीं दोगे तो हमारे शहर की पुलिस तुमसे कोई सवाल नहीं पूछेगी, लेकिन दिल्ली पुलिस पूछेगी। फिर टेररिस्ट या पाकिस्तान के साथ नाता जोड़कर सारी जिंदगी जेल के अंदर बितानी पड़ेगी। नहीं सर, मैं सब बताता हूँ, मुझे जो भी पता है सब बताता हूँ। वो बताओ, वो लड़की अपने इस काम को अंजाम देने से कुछ एक महीने पहले मेरे पास आई। मालकिन के कहने से मैं केले के पेड़ काटने बगीचे गया था। अरे दक्षा बेटी तुम यहाँ कैसे? कल जब जंक्शन पर तुम्हें पुकारा था तब अनसुनी करके क्यों चले गए? तुमने मुझे पुकारा था कब? ऐसे भोले चेहरे बनाकर मुझे बेवकूफ मत बनाओ। वो क्या है ना कि कल मैंने थोड़ी दारू पी हुई थी तो ऐसे पी हुई हालत में तुम्हारे सामने कैसे खड़े होता बेटी। पीने के बाद तुम बीवी को मारते हो? वो तो पहले की बात है, तब मैं समझता कहाँ था, अब तो वो मेरे लिए जिंदगी है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। अरे रे, इतना पैसा देखकर तो मैं दारू पीकर अपनी बीवी को रोज पीट सकता हूँ बेटी। ये पैसे उसके लिए नहीं दिए, तुम्हें मेरे लिए एक चीज लानी होगी। क्या चीज लानी होगी? अपनी माँ को इस बात का पता मत चलने देना कि मैंने ये काम किया है। अभी मुझे बहुत दिन जिंदा रहना है बेटी। कोई कुछ भी जाने मुझे उससे क्या, मुझे कोई परेशानी नहीं होने वाली है। संभाल के जाना बेटी, विस्फोटक पाउडर है। कालू का स्टेटमेंट और दक्षा के कंप्यूटर से मिले वेबसाइट एड्रेस दोनों को साथ मिलाकर देखा जाए तो बॉम्ब बनाने और किसी क्राइम को अंजाम देने में दक्षा ने किसी और की मदद नहीं ली होगी, ये तो समझ में आ रहा है। एक बॉम्ब कैसे बनाया जाता है या जिनके बारे में हमने नहीं सुना होगा, ऐसे मॉडर्न वेपन्स के बारे में सारी जानकारी इन साइट्स में पढ़कर मिल सकती है। दक्षा जैसी ब्रिलियंट इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाली लड़की के लिए एक बॉम्ब बनाने की टेक्नोलॉजी जानने के लिए ये काफी है। सर हाँ, क्या हुआ कबीर, तुमने इंक्वायरी की? जी हाँ सर, अखिला देवराजन, सुधा नायर, एशले जेकब, यही वो तीन औरतें हैं जिसमें बाल गंगाधर के फंसने की खबर है। इनमें से पहले दो को उसने पैसे फेंक कर सिर्फ मामला ही नहीं दबाया बल्कि दुबई और गोवा के ऑफिस में उन्हें एक अच्छे और हायर पोस्ट के लिए एक बहुत अच्छी ऑफर भी दी गई थी सर। अगर कहा जाए तो बाल गंगाधर को तो मरना ही था, अगर इन दो औरतों में से नहीं तो किसी और चींटी ने इसे काटा है ना? जी हाँ सर, उसके बाद बची एक एशले जेकब, बाल गंगाधर की आखिरी मछली, वो बहुत ही गरीब परिवार से थी। हाँ, मैं इस केस के बारे में थोड़ा जानता हूँ, ये डांस रिहर्सल वाला केस है ना? जी हाँ सर, कोर्ट में वो लड़की खुद ही अपने बलबूते पर खड़ी हुई थी लेकिन बाल गंगाधर की ताकत के सामने उसे पागल और वेश्या करार दिया गया और आखिरी समय पर सारे सबूत और गवाह भी बदल गए और साथ ही साथ कोर्ट में उसका मजाक उड़ाया गया। अभी ये लड़की यहाँ पास में ही एक कॉन्वेंट स्कूल है सर, वो वहीं रहती है।
विक्रम सर, इस एशले और दक्षा के बीच में किस तरह का लिंक है हमें पता करना होगा सर, और साथ ही उस कॉन्वेंट का फोन नंबर मुझे चाहिए। ठीक है सर, लेकिन वो लड़की थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब है, मैंने पता लगाया था। बेटी सुनो, बेटी ये तुमसे मिलने आए, कुछ पूछना चाहते हैं, इनसे बात कर लो बेटी। मेरा नाम श्री रामकृष्ण है, मुझे तुम्हारी थोड़ी सी मदद चाहिए। डरो मत बेटी। एशले, तुम इस लड़की को जानती हो? क्या इससे पहले कहीं मिली हो या पहचानती हो या कोई कॉमन फ्रेंड? अगर तुम इसे नहीं पहचानती तो ना बोल दो बेटी। बेटी तुम अपने कमरे में जाओ। फोन पर ही मैंने आपसे कहा था कि ये लड़की थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब्ड हो गई है। वो पहले ऐसी नहीं थी, बहुत स्मार्ट थी, बस उस केस के बाद ही ये अचानक कुछ बदल सी गई। केस खत्म होने के बाद जब प्रेस मीटिंग हुई तब उन लोगों ने अपनी बातें लिखी, लेकिन जब कोर्ट में इसके परिवार वाले इसके खिलाफ हो गए तब से इसका संतुलन बिगड़ सा गया। कोई बात नहीं, मैं किसी और से पूछताछ कर लूंगा। कॉन्वेंट गया था तो उस काम का क्या हुआ? दक्षा को आइडेंटिफाई किया उसने? नहीं यार, उसकी तरफ से मुझे कोई साफ जवाब नहीं मिल पाया। तो आगे क्या सोचा तूने? अपनी लिस्ट के मुताबिक मुझे एक जरूरी आदमी से मिलना है, दक्षा का एक महाशत्रु, उसका दूसरा बाप अरुण पानेकर। वो अभी कहाँ मिलेगा? वो मैंने पता लगा लिया है, उसकी रबर की 5 एकड़ की खेती है, उसी की देखभाल करता है, कल्याण के आसपास है वो, हमें तुरंत वहां पहुंचना है। क्या हमें? हाँ तुम्हें भी आना है। लेकिन मैं वहां क्यों? अरे ये एक अनऑफिशियल विजिट है, जब उस तरफ जा ही रहे हैं तो वहां होकर भी आ जाएंगे। परत बहुत पतली जम रही है ना बाबू। सारे पेड़ों पर तो बारिश का पानी है, तो मोटी परत कहां से बनेगी? हर शीट पर 6-6 बार पानी डालना, जब ये बाजार में बिकने जाएगी ना तो व्यापारी पैसे नहीं देगा क्योंकि मोटाई कम है। वो तो ठीक है। तो तुम्हें 2 बार की जानकारी है, किसी हद तक तो ठीक है, आमने सामने तो 2 ही बार आई थी, लेकिन 1 बार मौका कुछ ज्यादा करीब का था जब वो यहाँ पास से निकली थी। तब आपने क्या देखा? उस दिन मैंने देखा। वो समझ गई कि मुझे मारना इतना आसान नहीं है, इसलिए उसने किसी और को ढूंढकर मार डाला। मर भी गई तो क्या हुआ, पॉपुलर तो हो गई ना। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, जरूरत पड़ेगी तो दोबारा आएंगे। अच्छा सुनो, हाँ? तुमने कहा था ना कि तुम्हें बैग पे है ना? हाँ, वो बाइक से गिर गया था ना। वारिस भाई बहुत होशियार आदमी है, उनकी बस 1 बार की दवा से सारे दर्द हवा हो जाते हैं। हाँ, हमें मालूम है। ठीक है, टाइम मिले तो आ जाना। जरूर आएंगे। क्या लगा तुझे यार अरुण पारेकर से मिलकर? दक्षा और उसके फैमिली के साथ जो भी ट्रेजेडी हुई उसमें विलन हुआ ये अरुण पानेकर, लेकिन बाल गंगाधर जैसे तो
समाज में हर दिन गंदगी फैलाते जा रहे थे। पर्सनल रिवेंज के लिए अगर अरुण पानेकर को मारा होता तो समझ में आता है। इसके जीने से ज्यादा खतरा बाल गंगाधर के जीने में है, सोचकर दक्षा ने उसे जान से मार दिया होगा। इसका मतलब 9 साल की उम्र का बदला वो पूरी तरह भूल चुकी है, तुम ये कहना चाहते हो? अगर वो नहीं भूली होती तो पहले उसने अरुण को मारा होता। चलिए। हाँ। लो बेटी आराम से, यहाँ थोड़ी फिसलन होगी। क्या हुआ, तू उन्हें जानता है? नहीं रे, लेकिन कोई स्कूल मास्टर और उसकी बेटी लग रहे थे। अच्छा, एक नजर में लोगों को पहचानने वाले तेरे जैसे आईपीएस का कहना ही क्या। वो शुक्र है भगवान का कि तूने उसे किसी चर्च का फादर नहीं कहा। क्या बोला? अबे ओ बेवकूफ आईपीएस, वो मशहूर आदमी देवासी है, कुंदनाथ देवासी, पूना के बड़े बिजनेसमैन में से एक है ये। आज अरुण के लिए खाना लेकर आया है ये। तो फिर पुलिस वालों को इसकी खबर क्यों नहीं है? पुलिस रिकॉर्ड्स में देवासी पर आज तक कोई केस दर्ज नहीं है। तो फिर मुझे इसे अरेस्ट करने दो। अच्छा है, बहुत अच्छा है। यहाँ तो अरुण इस कुंदन देवासी के चाचा का बेटा है और जो उसके साथ आई है वो उसकी भतीजी है। ये लोग यहाँ पर प्रेयर के लिए आए हैं, ये बात देवासी अच्छी तरह से साबित कर सकता है। बेइज्जती होगी अगर उसे अरेस्ट करने जाएंगे। अबे ओए, गाड़ी स्टार्ट करेगा कि नहीं? हाँ, क्या हुआ? श्री, तुझे अभी केके रोड के सिल्क एसल होटल आना होगा। बात क्या है? वो सब तुझे मैं यहाँ आने के बाद बता दूंगा, जल्दी आ। पीछे रहिए, चलो ऑटो, ऑटो ऑटो, पीछे रहो भाई, साइड रहो, साइड पीछे, शांत रहो, पीछे रहो, चुपचाप, हमें अपना काम करने दीजिए। सुना नहीं क्या आपने? पीछे रहिए, चलिए पीछे, भैया पीछे रहो, पीछे रहो। कुछ एक घंटे पहले ही यह हादसा हुआ है सर। इन बॉडीज को आइडेंटिफाई किया? सिर्फ ये बॉडी आइडेंटिफाई हो पाई है सर। कौन है ये? सैम जॉर्ज पलक, इस होटल का एक पार्टनर है। ऊपरी माले से नीचे गिरा है, वहां पर एक स्विमिंग पूल है। सर, इस हादसे का एक गवाह भी है, एक आई विटनेस, इसी होटल का एक स्टाफ है। लेकिन उस दूसरे आदमी की बॉडी को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं सर। इस आदमी को पहले यहाँ कोई नहीं पहचानता था सर। सॉरी सॉरी सॉरी, वहीं रुकिए प्लीज। हाँ, तुम जानते हो इस सैम जॉर्ज को? अभी तो मैं इतना ही जानता हूँ कि ये आदमी एक जमींदार है, लेकिन श्री, दूसरे आदमी को मैंने पहले कहीं देखा है। कहाँ देखा है वो कुछ याद नहीं आ रहा। अच्छी तरह याद कर, याद आ जाएगा। नहीं यार, लेकिन मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो दूसरे आदमी की लाश को देखकर ही उसे पहचान जाएगा। कौन है वो? मैंने उसे बुला लिया है, आता ही होगा। मिलन, अब आगे क्या होगा? अखिल को तुम जानते हो ना श्री? हेलो। हेलो सर। अखिल की बहन इस होटल में रिसेप्शनिस्ट है, जब ये अपनी बहन को ड्रॉप करने यहाँ आया तो यह हादसा हो गया। ओह, तुम्हारे होटल पहुँचने के कितनी देर पहले यह हादसा हुआ था? कुछ 10 मिनट पहले ही हुआ होगा। हलचल होते यहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हो गए थे। तुमने सारे फोटोज लिए हैं ना? हाँ, ऑलमोस्ट। साथ ही हमें उस स्विमिंग पूल के भी फोटोज चाहिए होंगे। क्यों भाई, ले सकते हैं ना? हाँ हाँ, ले लो। फाइन सर, मैं अभी लेकर आता हूँ। मैं इसी के बारे में कह रहा था। ये आदमी, ये तो उस एम मैगजीन का एडिटर है ना? हाँ वही, सुखराम। और मिलन। हेलो सर। हाँ, बॉडी वहीं पर पड़ी हुई है ना? हाँ, मैं अभी देख कर आता हूँ, साइड प्लीज। क्या यार, तू ऐसे बोर लोगों के साथ भी दोस्ती करता है? हाँ यार, कॉलेज के समय मैंने कुछ ऐसे बोर फ्रेंड्स भी बनाए थे। मिलन, गो आउट द क्लू। जैसे हमने सोचा था ये वही है, पिछले अगस्त की ये मैगजीन है सर। प्लीज हैव ए लुक।
हीरोइन शीतल का बाप है ये मोहनचंद। यू राइट सर, बाकी सारी डिटेल्स इसमें है। लेकिन मिलन, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये आदमी सैम के पास क्यों आया। अपनी बीवी और अपने साले को मार डालने की धमकी दी थी इसने। सर, यही वो आई विटनेस है जो मैंने बताया। क्या नाम है तुम्हारा? जो मोहन। क्या देखा तुमने? जब रेस्टोरेंट में कस्टमर थोड़े कम हुए तब मैं सिगरेट पीने ऊपर चला गया था सर। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? कौन हो तुम? तुमसे ही पूछ रहा हूँ मैं, क्या चाहिए तुम्हें? मैं तेरी जान लेना चाहता हूँ और वो मैं लेकर ही रहूंगा। सैम हमेशा यहाँ स्विमिंग के लिए आता था क्या? यस सर, सुबह एक्सरसाइज के बाद वो सीधे यहीं आते थे। उस दूसरे आदमी को पहले यहाँ कभी देखा है? नहीं सर। कबीर सर, इसका स्टेटमेंट लेकर इसे छोड़ सर। चलो। थैंक यू सर। आगे बताओ। एज अ प्राइमरी अजम्पशन, मुझे लगता है कि बाल गंगाधर के ब्लास्ट के साथ दक्षा का मरना और होटल सिल्क कैसल के 11वें फ्लोर से गिरकर सैम जॉर्ज के साथ मोहन चंद का मरना, इन दोनों में मुझे कोई लिंक नजर आ रही है। इनमें सबसे जरूरी बात यह कि अपने खुद के दुश्मनों को जीवन दान देकर किसी और को मारा गया, जिसको न तो पहले से कोई जानता था और न ही किसी के साथ दुश्मनी थी। बड़ी बहन की मौत का जिम्मेदार सौतेला बाप था जिसकी दुश्मन थी दक्षा, और पैसों और पब्लिसिटी के लिए बेटी का इस्तेमाल करने वाले उस मोहनचंद की दुश्मन थी उसी की बीवी। इनके पीछे कोई पैरेलल मूवमेंट तो नहीं है पुराने नेक्स्ट लाइट की तरह? कत्ल हुए लोगों के साथ कातिल खुद भी मारा गया है, यह कुछ अलग किस्म की चीज है। इस तरह का कत्ल अभी तक सामने नहीं आया सर। ये सरदर्द बनने वाला है। इस मोहनचंद के बारे में तुम्हें कोई डिटेल्स मिली क्या? केवल उस मैगजीन के अलावा? मिली है सर। 2 साल पहले
कल्याण के टैक्सी स्टैंड में यह ड्राइवर था मोहनचंद, वहीं से मुझे सारी डिटेल मिली है। ये लो, तुम दोनों ने जो जो मंगाया था वो सारा सामान ले आया हूँ। अब जाओ तुम दोनों बहनें, खूब खुशी से दिवाली मनाओ। ये लो, ये तुम्हारे लिए। अपनी कमाई के सारे पैसों का तुम बेटियों के लिए सामान लेकर आते हो, कल की तो चिंता तुम्हें है नहीं। कल के बारे में चिंता है, इसीलिए तो मैं ये सामान लाया हूँ। अरे खुशी खुशी दिवाली मनाओ। चाहे तनख्वाह कम ही क्यों न मिले, लेकिन बीवी लीसी और अपने दोनों बेटियों का ख्याल बिना किसी परेशानी के मोहनचंद रखता था। मोहनचंद के साथ लीसी के भाई रॉय की कुछ जमती नहीं थी। एक बार जब वो अपनी बहन से मिलने आया, तब उसने बोला कि वो शीतल को अपने दोस्त के साथ प्रोड्यूस किए एल्बम में हीरोइन लेना चाहता है। मैंने तो बस कह दिया, हर किसी को ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलता है, ये जान लो। देखो रॉय, मैंने कहा था ना, अगर इसके पापा राजी हुए तो मैं भी 100% राजी हूँ। ये सिर्फ माँ बेटी का ही सवाल नहीं है। वो उस मौके को इतनी आसानी से छोड़ना नहीं चाहता था। माँ बेटी को मोह माया के लालच में उसने फंसा ही लिया। बस एक बार लड़की एल्बम में चेहरा दिखाने आई थी, अब वो फुल टाइम हैदराबाद में है तेलुगु फिल्मों में। अरे इसमें सोचने वाली क्या बात है, अगर भाई ने कहा है तो कुछ तो बात होगी ना। इसीलिए घबरा रहा हूँ। देखो मेरा भाई हमारा नुकसान तो नहीं चाहेगा, इतना तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। वैसे भी इसे एक्टिंग कहाँ आती है। लेकिन मुझे तो पूरा कॉन्फिडेंस है ना पापा, सिनेमेटिक डांस में पिछली बार स्कूल के यूथ फेस्टिवल में मैंने पहला प्राइज लिया था। ओहो, ये तो मैं भूल ही गया था। दिल से तो वो राजी नहीं हुआ था, लेकिन बीवी और बेटी की जिद की वजह से शीतल को एक्टिंग के लिए परमिशन दे दी। इसकी एक्टिंग की वजह से अगर पढ़ाई में कोई दिक्कत आई ना तो समझ लेना, मैं तुम दोनों माँ बेटी को कभी माफ नहीं करूँगा। पहले तो 2-3 एल्बम्स में, उसके बाद मैगजीन के फ्रंट पेज में वो आने लगी। उसके बाद भी जब ऑफर्स नहीं मिले तो माँ बेटी का एक्टिंग का सपना वहाँ खत्म हो गया होगा, ऐसा मोहनचंद ने सोचा। लेकिन शूटिंग लोकेशन पर और होटल के रूम्स में मोहनचंद के जानकारी के बगैर लिसी और शीतल चांस मांगने जाने लगे। इसके अलावा शीतल को हिंदी में छोटे मोटे रोल भी मिल गए, उसके बाद दूसरी लैंग्वेजेस में भी। ग्लैमर करना उसे बहुत पसंद था, इसीलिए बहुत सारे ऑफर्स उसे मिलने भी लगे। सर वो जो टॉप वाला हमारे डायरेक्टर जी वो लेंगे। क्या और वो जो है वो सारे जो है सर मिलेंगे। अच्छा एकदम सब अच्छा रहेगा, फर्स्ट क्लास रहेगा सर। थोड़ा पैसा और नाम मिलते ही मोहनचंद की बात को खारिज करते गए लिसी और शीतल। डार्लिंग तुम परेशान मत हो। अरे मैं हूं ना, चिंता किस बात की है। देखो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम हीरोइन बनकर रहोगी, टॉप की हीरोइन। कमीने, मैं तेरी जान ले लूंगा। क्या करें, छोड़े पागल हो गए क्या? छोड़े, मैं पागल हो गया हूँ, मैं तुझे भी मार डालूंगा। अरे अब ये क्या कर रहे हैं? आना, अरे मेरे घर पर आकर तुम लोग गंदी हरकतें कर रहे हो, मैं सबको काट डालूंगा। अपने आपे को खोने के बाद से मोहनचंद पागलों की तरह रिएक्ट करने लगा, अपने लोगों के लिए वो दुश्मन लगने लगा। आखिर लिसी और शीतल घर छोड़कर चले गए। अच्छा सुन, तू अपना फैसला नहीं बदलने वाली ना? नहीं, मैं अपने पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। चल मेरे सचिन, मैं तेरे को तेरे बाप के पास नहीं छोड़ सकती, चल आ जा। उस दिन उनके साथ ना गई उनकी छोटी बेटी शिखा को रॉय और लिसी जबरदस्ती पकड़ कर ले गए। मोहनचंद ने उसी दिन कल्याण के थाने में एक रिपोर्ट लिखा दी। वो रिपोर्ट लिखाने के बाद रॉय और उसके लोगों की धमकियां मोहनचंद को मिलने लगी। बेटी, दरअसल मेरे पापा की उधारी चुकाने के लिए मैंने फिल्म लाइन में काम शुरू किया। बिना पिए आज तक पापा घर नहीं आए। पीने के बाद हमेशा
मेरे पापा हम लोगों को मारते थे। पापा ने हमसे कभी प्यार से बात नहीं की। उनका ऐसा करना हमें पसंद नहीं आया, इसलिए हम लोग घर छोड़कर चले आए। अब आखिर में शीतल ने भी बाप के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। मोहनचंद बिखर गया और घर बार छोड़कर कहीं चला गया। इन आखिरी के दिनों में ये मोहनचंद कहाँ था, इसका सुराग मिला कोई? कुछ दिनों के लिए वाशी के किसी रिसोर्ट में वेटर था ऐसा सुना गया है। घर और जमीन बेचने के लिए एक दिन घर वापस आया था मोहनचंद। लिसी और रॉय को मार डालेगा कहा था, ये बात उसके दोस्तों ने हमें बताई है। ओहो, तुम्हारे कहने का मतलब है कि बाल गंगाधर और दक्षा के केस जैसा मोड ऑफ ऑपरेशन है या ये केस ही अलग है? यहाँ एक बात सोचने वाली जरूर है, जैसा बाल गंगाधर का कैरेक्टर था वैसा ही सैम जॉर्ज का भी था। चाहे होटल बिजनेस हो, इवेंट मैनेजमेंट हो या कैरियर गाइडेंस में हो, उसके बहुत सारे दुश्मन बन गए थे। जैसा कि आपने शुरू में कहा था कि हो सकता है ये एक पैरेलल मूवमेंट हो या फिर उससे भी ज्यादा हो, इस बात का हम लोगों को पता लगाना ही होगा। मोहनचंद और तुमने कितने दिनों तक यहाँ साथ में काम किया? मोहनचंद बस यहाँ 10 महीने पहले ही आया था। वो यहाँ काम क्यों कर रहा है, क्या उसने कभी तुम्हें ये सब बताया? नहीं सर, 2-3 महीने से वो छुट्टी पर था। जब पूछा गया तो कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मोहनचंद से मिलने यहाँ कोई आता था क्या, कोई दोस्त रिश्तेदार या और? नहीं कोई? सर, मैंने ऐसा कुछ कभी देखा नहीं सर। लेकिन हाँ, कभी कभी उनकी छोटी बेटी का फोन जरूर आता था। 2-3 बार उसने चिट्ठी भी लिखी थी। एक बार चिट्ठी मैंने भी देखी थी सर। क्या लिखा था उसमें? माँ और मामा उसे जबरदस्ती फिल्मों में एक्टिंग करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मोहनचंद इस बात से राजी नहीं था। चाहे केस करके या उसका खून करके ही सही, वो अपनी बेटी को वापस लाने चला गया था उन लोगों के पास। दूसरों को परेशानी में डालना पुलिस का काम नहीं है, चाहे कोई कितना भी परेशान क्यों ना हो। जिसका पूछने का काम है वो पूछेगा और जिसका बोलने का काम है वो बोलेगा। यहाँ आप क्या जानने के लिए आए हैं? ये जानना है कि मोहनचंद ने ये सब क्यों किया। ये सवाल आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? 19 साल तक आप ही हैं जो मोहनचंद के साथ रही हैं, आपके अलावा किससे पूछूंगा? हेलो, किसी पागल या उसके पागलपन का जवाब देने की जिम्मेदारी मेरी बहन की नहीं है। यही सब कंफ्यूजन पता लगाने के लिए सरकार इन्हें पैसा और खाना देती है ना, इंक्वायरी के नाम पर। तो बस मुझे आपकी छोटी बेटी से मिलना है, शिखा से। वो यहाँ पर नहीं है फिलहाल, मैंने उसे हॉस्टल भेज दिया है। और शीतल? वो अभी हैदराबाद गई है एक फोटोशूट के लिए, अभी उससे नहीं मिल सकते। मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसके जवाब देने की उम्र और जानकारी आपको है, मगर अगर आप जवाब नहीं देना चाहती तो। अगर तू बार बार इसी तरह बीच में घुसने की कोशिश करेगा तो मैं चुप नहीं बैठने वाला। अब तेरी ये जबान मेरे सामने दोबारा नहीं खुलनी चाहिए। लड़कियों की कमाई खाने की वजह से तेरे शरीर में बहुत चर्बी चढ़ गई है ना, ये सब चर्बी एक ही बार में निकाल कर रख दूंगा, समझा ना? आज की मीटिंग यही खत्म, लेकिन कल दोबारा मिलेंगे सिर्फ तुम्हारी बेटियों के साथ। और याद रखो, सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद घर के हर एक बंदे को लाइन में खड़ा करके मैं सवाल पूछूंगा और तुम्हें जवाब देने होंगे। ये तो घर था, वरना इसकी तो।
बोल बे। देवसी कुंदन था, देवसी वो ही इसे अपने साथ लाए थे। सालों साल जो बिजनेस तुम करते आए हो, मुझे उसकी कोई डिटेल नहीं सुननी है तुमसे। कल्याण में रहने वाले अरुण पनेकर के घर पर पूना में रहने वाली एशली जेकब कैसे पहुंची? मुझे मत मारो, मैं सब बताता हूं। जिन भी लड़कियों के साथ छेड़छाड़ और रेप होता है, उन पर मेरी स्पेशल नजर हमेशा रहती है। कस्टमर में उनकी बहुत डिमांड रहती है, इसलिए जज के फैसला होने के बाद जब मैं उस लड़की से मिलने उसके घर गया था, तब उसने धक्का मारकर मुझे अपने घर से निकाल दिया। लेकिन एक दिन जब मैंने कुछ सोचा भी न था, तब उसका ही फोन आया और मिलने के लिए मुझसे कहा। उस दिन आपने ठीक ही कहा था, जब बाग में कूदी गए हैं तो लपटों से क्या डरना। वो ही मैंने भी दुनिया कम नहीं देखी है। जब तुमने धक्का देकर बाहर निकाला था, तब मैंने तुम्हारे बाहर के कैलेंडर में अपना मोबाइल नंबर लिख दिया था, वही काम आया ना। इसीलिए तो मेरा नाम देवासी है। ठीक है, अब सब बातें एकदम साफ साफ करते हैं। तुम्हें क्या चाहिए, बिजनेसमैन या राजनेता या फिर हायर ऑफिसर चाहिए, बताओ। शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जितना मांगोगी उतने पैसे तुम्हें मिलेंगे। हाँ, उसके बाद मैंने कई बार उसे बुलाया, सब हाई लेवल के लोग थे। जब वो उनके बायोडेटा पूछती थी, तब वो खुद कहती थी उसे पसंद नहीं आया है, कहकर वो अपनी जान को हमेशा बचाती रहती थी। ऐसे ही मैंने उससे एक बार इसहाक साहब के बारे में मैंने उससे जिक्र किया, तो वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो गई और वो उनसे मिलने के लिए हाँ कर दी, जैसे वो इसका ही इंतजार कर रही हो। उसके बाद जब मैं उसे इसहाक साहब के पास ले गया, अरे तुम अभी तक गए नहीं? नहीं, वैसे माल कैसा है? बस एक बार देखा उसे, वापस आओगे तो बताऊंगा। मेरी परख के हिसाब से ये एक बहुत अच्छी लड़की है। दुनिया में ये काम बहुत साफ साफ होता है, बस आप उसे यही समझा देना, यही मेरी गुजारिश है। ठीक है, मैं अब चलता हूँ, कल सुबह मिलता हूँ। जल्दी आने की जरूरत नहीं है, आराम से 11 बजे तक आ सकते हो। मतलब आपको ये लड़की बहुत पसंद आई है? हाँ, चल निकल। तो तुम्हें कब पता चला कि अरुण और अश्ली मर गए हैं? आज ही सुबह इसहाक साहब के बंगले के बाहर, जब मैंने बहुत सारी पुलिस और भीड़ को देखा वहां पर, और जानकारी लेने के बाद मैं तुरंत वहां से वापस चला आया। अगर तुम्हारी बातों में से कुछ भी छूट निकला तो तुम्हारा क्रियाक्रम इसी पुलिस स्टेशन में होगा, समझ गए? कबीर सर, इस पुण्यात्मा के सारे कपड़े उतार कर इसे लॉकअप में बंद कर दो, कल हम इसे कोर्ट ले जाएंगे। सर। अरुण और ऐश्ली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दोनों के शरीर में पोटेशियम साइनाइड के जाने से मौत हुई है। जिस रूम में हमें डेड बॉडी मिली, वहीं पर हमें ये लिप ग्लॉस की शीशी भी मिली, इसमें पोटेशियम साइनाइड है, लैब में ये क्लियर हुआ है। कुछ दिन पहले ऐश्ली कॉन्वेंट से घर के लिए निकली थी, वहां से अरुण के बंगले तक पहुंचने के बाद देवासी के स्टेटमेंट से क्लियर हो जाती है, लेकिन उसके बाद हुए हादसे का कोई एविडेंस नहीं है, बस अनुमान लगाया जा सकता है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होने के नाते क्या तुम बता सकते हो कि क्या हुआ होगा? बताता हूं सर। वो देवासी तो गया, उसे भगाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। इतना मेकअप क्यों कर रही हो? तुम तो वैसे ही बहुत खूबसूरत लगती हो।
लिपस्टिक लगाकर किसिंग करके एक लड़की अपने दुश्मन को मारती है। ये सब किसी कहानी या नॉवेल में हो सकती है, लेकिन रियल लाइफ में भरोसा तो करना ही पड़ेगा ना सर, क्योंकि मैं सिर्फ अपना एक अनुमान ही बता रहा हूँ ना। यहाँ तक पहुँचने के पीछे कुछ रीजंस भी हैं। मरने से पहले अरुण और एशली के बीच कोई शारीरिक संबंध नहीं बना, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है। सिर्फ इतना ही नहीं, एशली अरुण के घर शाम 6 बजे पहुंची थी और देवासी उसे वहां छोड़कर चला गया, और दोनों की मौत 6:30 से 7 के बीच हुई है। इसका मतलब देवासी के जाने के कुछ आधे घंटे बाद ही ये मौतें हुई हैं। डेड बॉडी और कमरे के आसपास किसी तरह के हाथापाई या छीना झपटी नहीं हुई है, इसका कोई निशान नहीं मिला। जैसा कि सर आपने पूछा, क्या रियल लाइफ में ऐसा हो सकता है? यहाँ हमें पिछले हुए 3 कत्ल में सिर्फ एक ही लिंक मिला है। इनमें मोड ऑफ ऑपरेशन ही अलग है, लेकिन एक जैसे दो हादसे, बाल गंगाधर और दक्षा, सैम जॉर्ज और मोहनचंद, दोनों सुसाइड केस है। एक तरह से क्राइम की हिस्ट्री में शायद ऐसा केस पहली बार हुआ है। अपने दुश्मन को एक दूसरे से बदलकर बदला लेना। एशली का बदला उसके दुश्मन बाल गंगाधर से लिया, दक्षा नाम की लड़की ने, और दक्षा के दुश्मन अरुण का कत्ल करके एशली ने उसका बदला पूरा किया। अगर हम इसी फॉर्मेट पर सोचें तो सैम जॉर्ज और मोहन चंद के इंसिडेंट पर थोड़ी रोशनी डाल सकते हैं। यह है मोहन चंद की बीवी लीसी और यह है उसका भाई रॉय। इन्हें ही मोहन चंद अपना दुश्मन मानता है। इन्हें मारने की बात इसने अपने दोस्तों से भी कही थी, लेकिन ये दोनों लोग अब भी जिंदा है। जैसे दक्षा मारी गई, लेकिन कुछ दिनों तक अरुण पानीकर जिंदा रहा था, वैसे ही। तो क्या दोबारा कुछ होने वाला है? जी हाँ सर, सबूत हमारे पास नहीं है, इसीलिए हम सिर्फ सोच ही सकते हैं। जैसा कि तुमने कहा, उसके मुताबिक यहाँ उस सैम जॉर्ज का दुश्मन हो सकता है ना? एग्जैक्टली सर, लेकिन वो दुश्मन कौन है ये पता लगाकर उसे जिंदा कानूनी हिरासत में लेने के बाद ही ऐसे टाइप के इस कत्ल में कितने लोग शामिल हैं और किस तरह, ये हम जान पाएंगे। लेकिन उसके पहले हमें करना होगा इंतजार। नहीं सर, कल आ जाएंगे। हाँ पक्का सर, मैं कह रहा हूँ ना, हैदराबाद से रेड्डी का फोन था, 15-16 गाने की शूटिंग करेंगे वो। अरे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या कर रहे हैं। अरे क्या हुआ सर, टाइम हो रहा है, कब खत्म होगा ये? इंतजार कीजिए। वो एसपी हमारे खिलाफ कर देगा, जानकर कह रहा है वो सब। तुम्हारे पापा तुमसे मिलने स्कूल आते थे, ये बात तुम्हारे मम्मी और मामा जानते थे? नहीं, और उन्हें पता भी नहीं चलना चाहिए, ऐसा पापा ने मुझे स्पेशली कहा था। एक बार तुमने अपने पापा को एक लेटर लिखा था ना कि माँ और मामा मिलकर तुम पे जबरदस्ती करके फिल्मों में काम करवाना चाहते हैं, पापा यहाँ आओ और ये सब रोक लो, यही लिखा था ना? वो लिखा तो था। उस लेटर के बाद तुम्हारे पापा तुमसे मिलने आए थे? हाँ आए थे। मुझे वापस पाने के लिए पापा ने कोर्ट में केस भी की थी, उसके लिए पापा ने एक अच्छा वकील भी हायर किया था और मुझे बताया भी था, लेकिन लेकिन क्या बेटी, क्या हुआ उसके बाद? चाहे जो भी हो शिका, तुम हमसे बेफिक्र होकर बोलो, यहाँ तुम जो भी बताओगी बाहर नहीं जाएगा। वो बेफिक्र होके बोलो। उस दिन जब पापा मुझे लेने के लिए आए थे, उस रात को। वाह, इसे लेकर जाओगे? ऐसे तुमने क्या कर लिया? इसे अपने साथ लेकर जाओगे और इससे झूठे प्लेट बर्तन मंजवाओगे? मुझे नहीं चाहिए ये सब। झूठी प्लेटें धुलवाने के लिए नहीं ले जा रहा हूँ। इतने सालों तक जैसे मैंने तुम लोगों को पाला, अगर ये मेरे साथ जाएगी ना तो जिस संस्कार में तुम इसे अभी पाल रही हो उससे अच्छा रखूंगा। तो तुम इसे लेकर जाओ, लेकिन उससे पहले कोर्ट में तुम्हारा केस लड़ने के लिए जिस वकील को साथ लेकर आए हो ना, उसे तुमसे कुछ पूछना है। वो क्या है ना मोहन चंद, सुबह तुमने जो हमसे डिस्कस किया था ना, वैसा तो कुछ भी नहीं है इस केस में। मैंने भी काफी बार सोचकर देखा, चाहे हम इस पर कितनी भी बहस क्यों ना कर लें, लेकिन कोर्ट हमेशा नाबालिग लड़की को माँ के साथ रहने का ही फैसला देगी। तो अभी जो रॉय कह रहे हैं उनकी बात को मान लो। चुप रह कुत्ते, दूसरों की दारू पर जीने वाले कुत्ते, तू मुझे सलाह देगा? तेरी तो मैं ना, गुस्सा नहीं चाहिए,
अगर ऐसे ही करते रहोगे तो भी अभी जहां ये वकील बैठे थे वहां इस केस का जज भी बैठेगा, याद रखना। इस देश में न्याय कानून सब उसका है जिसके पास पैसा और ताकत है। नहीं रे, उससे तो ज्यादा भगवान की चलती है। अगर वो भी साथ छोड़ देगा ना तो मुझे क्या करना है मुझे पता है। मैं तुम दोनों को मारकर अपनी बेटी को ले जाऊंगा। शिखा, तो तुम्हारे पापा सिर्फ तुम्हारी माँ से ही बदला लेना चाहते थे ना? नहीं, इतना सब होने के बावजूद भी मेरे पापा को माँ से बिल्कुल शिकायत नहीं थी। इन सब के जिम्मेदार रॉय मामा ही थे। अगर वो नहीं होते तो हम लोग सुख शांति की जिंदगी जीते। पापा हमेशा यही बात कहते थे। हाँ, अब तुम लोग जा सकते हो, जरूरत होने पर दोबारा बुलाएंगे। क्या है सर, जो जानना था वो मिल गया? थोड़ा कुछ जान गए, बाकी भी हम जान ही लेंगे। तुम जा सकते हो। चलिए। शिखा, तुम बेफिक्र होकर जाओ, अब कोई भी तुम्हें जबरदस्ती फिल्मों में एक्टिंग करने के लिए नहीं कहेगा। चलो चलो। जैसा सोचा था हमने, अब नेक्स्ट अटेम्प्ट इस रॉय पर ही होने वाला है। जी हाँ सर, और वो भी कुछ ही दिनों में। बट फ्रॉम हियर? नहीं पता सर, हो सकता है जैसे दक्षा, एशली और मोहन चंद को बदकिस्मती से सही इंसाफ नहीं मिला, उसी तरह कोई आदमी रॉय को मारने की तैयारी कर रहा होगा। और वो कौन है ये जानने के लिए हमें सैम जॉर्ज के भूतकाल के बारे में जानना होगा। सर। अर्जुन सिंह। हाँ सर, सभी लोग मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। तुम्हारे और मारे गए सैम जॉर्ज के बीच क्या प्रॉब्लम हुई थी? परेशानी? ऐसी तो कोई परेशानी नहीं थी सर। तो फिर सैम ने क्यों 2 साल पहले थाने पुलिस स्टेशन में तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई थी? तुमने उसे रास्ते में रोका भी था और उस पर जानलेवा हमला भी किया था। वो क्या है कि सैम का एक पुराना दोस्त है शेरू, जो मेरा पहचान वाला है, उसी की वजह से मैं सैम से मिला। शेरू के जरिए वो बहुत गलत गलत काम कराता था, इसीलिए मुझे वो सब करना पड़ा। कैसे काम? शेरू कौन से गलत काम करवाता था सैम से? ये सैम जॉर्ज जो आज सब लोग जानते हैं, उसकी पहले कहानी कुछ और थी। किसी समय में ये ऐसा नहीं था सर। दोस्ती के नाते बिना काम के घूम रहे सैम को शहर बुलाकर अपने पास अच्छा काम दिया और उसके बाद ये उसका पार्टनर भी बन गया सर। और पार्टनर बनने के बाद शेरू ने उस पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया। लेकिन वो सैम को सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था। उसने शेरू से सिर्फ पैसे और पद नहीं कमाया, उसकी इकलौती बहन को बहला फुसला कर उसे भी अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा लिया। जब शेरू को यह सब पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी, बहन की जिंदगी भी बर्बाद हो गई थी। बहुत चालाक था सैम, पैसे का घोटाला किया और मारने की कोशिश कहकर शेरू के खिलाफ रिपोर्ट करवा दी। पैसे फेंक कर कोर्ट से उसने शेरू को सजा दिलवा दी, 3 साल की कैद। कुछ ही दिन पहले वो जेल से बाहर आया है। जब सैम को किसी ने नहीं मारा तब मेरा अनुमान शेरू पर गया। जेल से बाहर आने के बाद शेरू आपसे मिलने आया था? हाँ आया था, मुझसे कुछ पैसे भी मांगे थे और मैंने दिए भी।
अभी वो कहाँ मिलेगा? जब उससे मिलने आया था तब दादर में था, उसके बाद वहां से खाली कर गया, अब कहाँ होगा पता नहीं। ठीक है अर्जुन सिंह, तुम जाओ, अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा बुलाएं। जी सर। और हाँ, हाँ? कहीं अगर शेरू से तुम मिलो तो हमें इत्तला कर देना, ज्यादा इमोशनल मत बनना। जी। शेरू, शेरू कुमार। इससे पहले ये केस एसआई चंद्रशेखर के पास था। सब कहते हैं इस केस की फाइल पढ़ने पर ऐसा लगता है जैसे किसी थ्रिलर केस की फाइल पढ़ रहे हो। हर एक पल की जानकारी इसमें दी गई है। यह भी उनका एक तरीका है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी न्यूज अखबार में फ्लैश होती है उसे कलेक्ट करते हैं। ज्यादातर तो सिंगल कॉलम में आने वाली न्यूज होती है। क्या हुआ सर? जैसा कि तुमने कहा, ज्यादातर अखबारों में आने वाली न्यूज इनर पेज में सिर्फ फिलर के रूप में आती है, बट फॉर दिस इज एंटायरली डिफरेंट। उस समय के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने स्पेशली इस पर मार्क भी किया है। जब बाकी सारे पेपर्स में लगभग एक जैसी खबर आई है तो सिर्फ इस अखबार में यह तरीका अलग क्यों है? लेकिन सर ये तो शाम का पेपर है। स्पार्क। वैसे बाकी सब अखबारों में कितनी जेन्युइनिटी होती है ये तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन अर्जुन सिंह के बयान के मुताबिक कई सारी बातें इसमें भी लिखी हुई हैं। इसका मतलब अर्जुन सिंह की तरह शेरू कुमार को अच्छी तरह से जानने वाले ने ही ये न्यूज लिखे हैं, वो अनिरुद्ध है। ये अनिरुद्ध हमें चाहिए, पता करो। हेलो। हाँ हाँ बोलना। अभी मैं स्टेट यूथ फेस्टिवल की रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। क्या बताएं? स्पार्क। हाँ शाम का अखबार है, उसमें कोई अनिरुद्ध है, मुझे उसकी डिटेल्स चाहिए। अरे यार, 5 स्टेज को कवर करने के लिए सिर्फ हम 2 लोगों को ऑफिस से भेजा गया है। थोड़ी भीड़ कम होने दे फिर मैं पता लगा लेता हूँ। लेकिन एक बात कंफर्म है, स्पार्क नाम से कोई भी अखबार हमारे शहर से नहीं निकलता। ठीक है सर। ऐसा है कबीर सर। हाँ, हाँ कबीर। सर मैं अभी रॉय के घर पर खड़ा हूँ, उसकी बीवी कहती है कि वो सुबह से बाहर है लेकिन कहाँ गया कुछ बताया नहीं उसने। नहीं सर, ड्राइवर भी साथ ही गया है। मैंने दोनों के मोबाइल पर कोशिश की, रॉय का फोन स्विच ऑफ आ रहा है और ड्राइवर का फोन रिंग हो रहा है लेकिन वो उठा नहीं रहा है। ठीक है सर, वो मैं करता हूँ सर। शिट, फोन ऑफ करके कहाँ गया ये साला आखिर? वो जानता नहीं है मौत उसके सर पर नाच रही है। किसी और काम के लिए नहीं, उसे उस हत्यारे से बचाने के लिए पूछ रहा हूँ वो कहाँ है। इसने जो कुछ कहा वो सच है सर, वो सुबह हमें बिना बताए यहाँ से चले गए। उतर बे। सर यही है रॉय का ड्राइवर, सुबह रॉय इसी के साथ गया था। तुमने इसे कहां से उठाया? चांदनी बार में बैठा था, वहीं से इसे उठाया। रॉय कहां है? एक आदमी आया था, मालिक उनके साथ चले गए हैं। किसके साथ गए और कहां चले गए? एक आदमी के साथ चले गए हैं। साले तो आगे भी कुछ बोलेगा या तेरे को यहीं? छोड़िए छोड़िए सर, बताता हूँ मैं बताता हूँ सर। रॉय सर विरार की जमीन का सौदा करने गए हैं। अकेले? नहीं, उनके साथ एक ब्रोकर भी था। ये बात बाहर किसी को पता ना चले ऐसा हमसे बोले थे, स्पेशली लिसी मैडम को। सुना ना, बहन को बिना बताए अपने नाम पर जमीन खरीदने की जल्दी में है तुम्हारा भाई। टैक्सी ड्राइवर मोहन चंद की अमीर पत्नी लिसी, अगर तुम्हारे अंदर का वो पत्नी का दिल अभी मरा नहीं है तो एक बार फिर सोचो। अब तक तुम जिसे पाना चाहती हो क्या सच में वो एक मुनाफा है? कौन है वो जो रॉय के साथ गया, वो ब्रोकर? मुझे सच में नहीं पता कि कौन है वो, और ना ही मैं उसका चेहरा पहचान सकता हूँ, नाम भी नहीं पता। ये था क्या? Oh.
अगर तुम्हें सच बताऊं तो मेरे पास इसके लिए इतने पैसे तो नहीं हैं अभी, लेकिन जो रेट तुमने बताया वैसा हुआ तो ये मेरे लिए खुद ही एक बहुत मुनाफे का सौदा होगा, ये मैं सोचता हूँ। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें बहुत फायदा दूंगा। होगा ना सर, मैं इसे जरूर पूरा करूंगा। जैसा मैं बाहर दिखता हूँ वैसा लोग समझते हैं। पॉपुलर फिल्म हीरोइन का मामा मैं मैनेजर हूँ, लेकिन हमारी सिचुएशन तो हम ही समझते हैं ना। क्या हुआ? कोई सिचुएशन प्रॉब्लम? बताने जैसा नहीं है। जीजा जी के मरने के बाद मेरी बहन के बिहेव में बहुत बदलाव आ गया। बस यूँ समझ लीजिए कि वो सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। हाँ सच में उस लड़की की अभी की सारी फिल्में फ्लॉप हैं। अब तो बस छोटी लड़की से कुछ उम्मीदें बची हैं, लेकिन वो मेरी पहुंच से बाहर है। अभी बुरा समय है, मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है। अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते। युबे, आज तू अपनी बीवी को कह के आया था ना कि वापस नहीं आएगा, वन वे पे जा रहा है। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या करने वाले हो? हे भगवान, शेरू, जीप, जीप यहीं रुको, यहीं रुको। नहीं रॉय, तू जा कहेगा ये जीप वहाँ नहीं रुकेगी। अब ये सीधे रुकेगी तो पहाड़ की ऊंचाई पे जाकर। शेरू, बाप रे, यहाँ से अब हम दोनों उड़ने वाले हैं परलोक की तरफ। शेरू, शेरू गाड़ी यहीं रुको, गाड़ी यहीं रुको। चुप रहो, बकवास बंद कर। रुको, गाड़ी रुको। शेरू, छोड़। रोको, गाड़ी रोको।
छोड़ दो, नहीं छोड़ दो, नहीं, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। बता साले कुत्ते बता। नामुमकिन है सर, ऐसा कई ज्यादा मैं भुगत चुका हूँ जिसकी गलती मैंने की भी नहीं थी। तेरी तो मुझे भी देखने दे साले, तू कब तक नहीं बताता? बता। चाहे मुझे मार डालो लेकिन मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताना चाहता। बता, रॉय इस सीरीज में आखिरी था क्या? नहीं बताऊंगा। बता, दक्षा एशली और मोहनचंद से तू कहां मिला? मैं नहीं बताऊंगा। बता, ना। बता साले। नहीं, नहीं बताऊंगा। तुम पागल हो गए हो क्या? अगर ये यहाँ मर गया तो उसका जवाब कौन देगा? वैसे भी ये मरने वाला था सर, अगर ये मर गया तो उसकी जिम्मेदारी मैं ले लूंगा। तेरी तुम है? तुम इधर आओ, इधर आओ। सुनो सर, मुझसे कह रहे हो? नहीं आपको नहीं, छोटे साहब को। तुमसे, शांत रह के उसकी बातों को सुनना बस। और एक बात, हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए तुम उसके ऊपर हाथ नहीं उठाओगे। दिस इज माय ऑर्डर सर। मैं आपको एक बात सच बताता हूँ सर। बोलो। इस अंधे कानून के देश में शेरू कुमार की तरफ से एक भीख। भाषणबाजी मत कर, जो बताना है बता साले। गुस्सा होने की जरूरत नहीं है साहब। आपने मुझसे पूछा था ना कि रॉय इस सीरीज में आखिरी है या नहीं? नहीं, इसके बाद एक और है। हम सबके लिए वो बहुत ही जरूरी कत्ल है। वो बस एक बचा है, फिफ्थ एंड फाइनल। कौन है वो? एडवोकेट नारायण सिंह। जाके उसको खोजो, पता चल जाएगा। हमने की सच्चाई से कहीं ज्यादा बड़ा सच है उसका मरना। अब मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ सर। अगर तुम एक मर्द बाप के बेटे हो तो नारायण सिंह को कौन मारने वाला ये पता लगा कर रोक के दिखाओ। साले तेरी तो He's a tough guy. इतना टॉर्चर करने के बाद भी एक शब्द नहीं निकलवा सके हम। Let us see. अगर कुछ नहीं बोला तो नार्को जैसे साइंटिफिक चीजों की मदद ले लेंगे हम। वैसे भी ये एक फैशन है आजकल। सर, आप मौके की नजाकत को समझ ही नहीं रहे हैं। कोर्ट की परमिशन के बाद शेरू कुमार पर कोई साइंटिफिक टेस्ट करके उसका मुंह खुलवाएंगे तो उसमें कम से कम 10 दिन का टाइम लग जाएगा। जैसे शेरू ने बोला ये सीरीज में आखिरी कत्ल नहीं है तो अगला अटेम्प्ट जल्दी होगा सर, क्योंकि हमने शेरू को जिंदा पकड़ लिया है। तो अब हम लोग क्या करें? सर, आप जानते हैं ना उस नारायण सिंह को? जानता हूं मैं अच्छी तरह से। एक समय पर रमन कुमार वकील की तूती बोलती थी। वो चाहे तो किसी को भी खूनी बना सकता था। बस ये उसी का नया वर्जन है, ये नारायण सिंह। पुराने सारे लोग तो चले गए। ये एक सीटिंग के 5 लाख रुपए लेता है। उस पर भी ये अपने हिसाब से केस चुनता है। खून या चोरी के केस कभी नहीं लेता, अपहरण या लड़की के रेप का ही केस लेता है। इसका मतलब ये है कि अब तक तो इनके बहुत सारे दुश्मन बन गए होंगे। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। विद फुल परफॉर्मेंस मुझे देखना है इस एडवोकेट नारायण सिंह को। योर ऑनर, मेरी मुवक्किल जिस आदमी की अपने माँ बाप से भी ज्यादा इज्जत करती थी उसी ने उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसकी वजह से सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक कष्ट भी हुआ है। इतना ही नहीं,
इनके कर्मों की वजह से शिक्षा जैसे सम्मानीय पेशे का भी अपमान हुआ है। इसलिए मैं कोर्ट से अपील करता हूँ कि इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। That's all, Your Honor. Anything to ask, Mr. नारायण सिंह? Yes, Your Honor. नेहा पंडित जी, हाँ। आपके सामने जो खड़ा है एलेक्स साकिया, वो तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता था? जूलॉजी। इसका मतलब जंतु शास्त्र? जी हाँ। इंसान के साथ साथ सभी तरह के जीवों के लैंगिक और जैविक प्रक्रियाओं के सूक्ष्म अध्ययन को जंतु शास्त्र कहते हैं, और ये बात हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं, है ना? क्यों, सही कहा ना मैंने? सही कहा। इसका मतलब बाकी के साइंस सब्जेक्ट के मुकाबले इसमें कुछ ज्यादा मिर्च मसाला होता है ना? हमारे कॉलेज के दिनों में साइंस के हमारे साथी हमेशा एक बात पर मजाक किया करते थे। अगर कभी मेल टीचर हमारी क्लास में जियोलॉजी पढ़ाने आ जाते थे तो लड़कियां कभी एब्सेंट नहीं होती थी। ठीक वैसे ही लड़के लोग भी करते थे। तो बताओ, जब एलेक्स सर पढ़ाने आते थे तो तुमने कुछ ऐसा फील किया? नहीं, मैंने ऐसा कुछ फील नहीं किया। झूठ! तुम झूठ बोल रही हो, ये बात तुम्हारे चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, ये बेकार के सवाल पूछकर मेरे मुवक्किल को। नहीं श्रीमान, आई विल प्रूव इट। हाउ कैन यू प्रूव इट? दैट्स माय ड्यूटी, यू डोंट वरी अबाउट दैट। सम्मान्य कोर्ट की अनुमति के साथ आखिरी दिन के नेहा के सेक्स हार्मोन एनालिसिस की लैब रिपोर्ट है। एक 18 साल की उम्र की लड़की में आमतौर पर हमेशा सेक्सुअल हार्मोन्स के काउंट 25 से 221 होते हैं, जब 25 से 221 नॉर्मल होते हैं। लेकिन इस लैब की रिपोर्ट के मुताबिक नेहा में 262 पाया गया, जो कि नॉर्मल काउंट से कहीं ज्यादा है। सो वी कैन से दैट शी इज अ कंफर्म निम्फोमेन। इस पर मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल भी दे सकता हूं योर ऑनर। यहां खड़े साबू को तुम जानती हो? जानती हूं। कैसे जानती हो? इनके भाई की कार में ही मैं स्कूल जाती थी। अकेले? नहीं, और भी बच्चे साथ होते थे। तब तो साबू भी तुम्हें बचपन से जानते होंगे। जानता हूं सर, कुछ दूसरी तीसरी क्लास से ही ये लड़की कार में आने जाने लगी थी सर। तब ये बहुत इनोसेंट बच्ची हुआ करती थी, लेकिन जब थोड़ी बड़ी हुई, ये कोई 8th 9th में आई होगी तब। हाँ हाँ बोलो, जब 8th 9th में थी तब। बाकी बच्चों के मुताबिक इस बच्ची का बिहेवियर कुछ अलग हुआ करता था, पर्टिकुलरली लड़कों के साथ। इसका कुछ गलत टच वगैरह चलता देख मैंने इसी स्कूल के एक लड़के को अपनी कार में लाना बंद कर दिया था सर। उसके बाद मुझे देखकर ये मेरी तरफ से मुंह फेरकर चली जाया करती थी। विवेक। यस सर। तुम्हारी नेहा से कैसे पहचान हुई? प्लस टू में हम दोनों साथ थे। साथ में मतलब एक ही क्लास में? बाकी बच्चों की तरह तुम दोनों के बीच वैसे ही दोस्ती थी या कुछ और ही था? जी नहीं सर, हम लोग शादी करने का प्लान किए थे। क्यों नेहा, ये जो कह रहा है वो सब सच है क्या? सच नहीं है ना, बताओ। इसका कहना है कि इसके पास तुम्हारे दिए गए लव लेटर्स, ग्रीटिंग कार्ड सब रखे हैं। मैंने कभी इससे प्यार किया था, ये सच है। ओके, इतना काफी है। विवेक ने भी यही कहा था अभी। तो फिर विवेक, ये बताओ तुम लोगों का रिलेशनशिप क्यों टूटा? मैं इसे बहुत पसंद करता था, इसका सीनियर भी था, मैं तो इससे शादी भी करने वाला था, लेकिन ये जिंदगी में अपनी शादी ही नहीं करना चाहती थी। सारी जिंदगी एक पति के साथ रहकर नहीं बिता सकती थी, इसने मुझे खुद ही कहा था सर। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने अपने ही एक दोस्त के साथ कई बार असमंजस स्थिति में पाया था, यही इसका लाइफ स्टाइल। Yes, sir. 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 Yes, sir.
देखा, सिर्फ कोर्ट के एक तारीख में ये लड़की कितनी फेमस हो गई। सब आपका चमत्कार है, तो मैं अब बच जाऊंगा ना वकील साहब? तुम परेशान मत हो, हम सब कुछ कर सकते हैं। इतना काफी है बस। एक्सक्यूज मी। यस हेलो, मैं श्री रामकृष्ण हूँ, ASP। हाँ, मुझे आपसे थोड़ी सी बात करनी है, पर्सनल मैटर। तो ये बात है मेरे प्यारे IPS साहब, मुझे कोर्ट में कदम रखते 30 साल हो गए हैं। 1982 में गोवा से मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी। हर बार मैं अपोजिट पार्टी की तरफ से ही हाजिर होता हूँ। तब से लेकर आज तक मेरी जिंदगी में अब तक इस तरह की परेशानियों का कोई भी असर नहीं हुआ। बड़े से बड़े बहुत सारे नामचीन लोगों ने मुझे कई बार खत्म करने की कोशिश की, लेकिन उनमें से आज तक कोई भी मेरा बाल बाका नहीं कर पाया। इस सीरीज में अब तक 4 मर्डर हो चुके हैं और सब वेरी वेल प्लान्ड थे। 5वें में हमने आपका नाम सुना है, इसीलिए आपको ये बताना जरूरी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो तो ठीक है, लेकिन क्या उसकी वजह से मैं घर में चुपचाप छुप के बैठ जाऊं या कहीं बाहर आना जाना छोड़ दूं? मेरी बात ध्यान से सुन लो, मैं अपने रोज के काम में कोई बदलाव लाना नहीं चाहता। एडवोकेट नारायण सिंह, 1000 साल जीने का आपका सपना पूरा होगा, लेकिन हमारी पुलिस आपको कहीं जाने से नहीं रोकेगी। इस कत्ल की सीरीज ने हमारे लोगों के सामने बहुत सारे कानूनी सवाल खड़े किए, अब एक और हादसा ना हो जाए बस हमारी यही कोशिश है। 30 साल पहले अरुण पानेकर और सुदक्षिणा के केस के अलावा 50 बाकी केसेस से यह मशहूर बन गया, जिससे गलत लोगों का केस जीतकर ही आगे बढ़ता गया। यही है एडवोकेट नारायण सिंह के करियर की हिस्ट्री। अब हमें कहां से शुरू करना चाहिए? नारायण सिंह द्वारा लड़े और जीते गए केसों में से डाउटेड पर्सन्स की मैंने एक लिस्ट तैयार की है। उस लिस्ट को तीनों में बांटकर हम तीनों 3 दिशाओं में छानबीन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, नारायण सिंह ने लड़कर जीता हुआ ये कृष्ण मोहन के मर्डर केस डिटेल्स हैं। इंजीनियरिंग का छात्र था कृष्ण मोहन, उसके सीनियर्स द्वारा रैगिंग करके कत्ल किया गया केस है ये। इसमें कृष्ण मोहन के बड़े भाई रामनाथ के बारे में भी लिखा हुआ है। केस के चलते और केस के बाद अपोजिट वकील के सहारे नारायण सिंह पर अटैक करने की कोशिश की है। आज के दिन ये रामनाथ कहाँ है, क्या कर रहा है और आज भी वो नारायण सिंह से बदला लेना चाहता है या नहीं, इसी तरह से होगा हमारा इन्वेस्टिगेशन। एक बात का ध्यान रखना, अनुमान ही है हमारा असली हथियार, इसलिए हर छोटी छोटी गलती पर भी हमें ध्यान से कदम रखना होगा। ये दुश्मन का होना और मर्डर की कोशिश, ये सब मैं अपने प्रोफेशन का एक हिस्सा मानता हूँ। इन सब बातों को अपने प्रोफेशन का हिस्सा मत कहिए वकील साहब। मैंने आपके करियर का इतिहास देखा है, पिछले 30 सालों में जितने केस आपने लिए हैं उसमें सच्चाई की तरफ से आप कभी नहीं लड़े हैं। सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर कानून के साथ धोखा करने में आपको एक विचित्र आनंद मिलता है, लाइक अ बॉर्न क्रिमिनल। अगर तुम्हें किसी पर शक हो तो तुरंत मुझे फोन कर देना। यस सर। हेलो सर, उस कृष्णा मोहन के बड़े भाई रामनाथ से मैं मिला, अभी ये एक बड़े मंदिर का पुजारी है। नहीं सर, इस पर शक करने जैसा कुछ भी नहीं है। ओके देन लीव हिम एंड गो टू द नेक्स्ट। हेलो श्री, तूने उस दिन मुझसे अनिरुद्ध के बारे में पूछा था ना, वो शाम के अखबार वाला, मैंने उसका पता लगा लिया है। तू कब तक फ्री होगा? वो ना, मैं तुझे शाम को फोन करता हूँ। हाँ भाई, मुझे यहाँ बुलाया तूने?
अपने किसी पुराने दोस्त से मिलवाने वाला है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। बताता हूं, हम तीन तरह से नारायण सिंह के खोने का पता लगा रहे हैं, विष्णु, कबीर और मैं। अब तक हर बार हर जगह उस आदमी के द्वारा जीते गए पंजी के लड़की के रेप के पीछे मैं खुद लगा हुआ था। 1980 में यह हादसा हुआ था। मेरी पॉल नाम की 20 साल की लड़की गवर्नमेंट जॉब करती थी, जिसे सरकारी गेस्ट हाउस में रेप किया गया, वो केस है ये। उस समय एक राजनेता और बाकी 19 लोग इसमें फंसे थे। केस के फैसले के कुछ ही दिन बाद मेरी मर गई और उसके कुछ दिन बाद उसके माँ बाप भी मर गए। पंजी के जिस चर्च में मैं पहुंचा, वहां मैंने उनको सिर्फ कब्र के रूप में ही देखा, लेकिन कुछ जानकारियों की सहायता से ही मुझे एक बात और समझ में आ गई। उस रेप के बाद मेरी गर्भवती हुई। जब कोर्ट का केस चल रहा था तब उसकी डिलीवरी हुई। मैंने मेरी के बेटे को ढूंढना शुरू कर दिया। तब मैं पहुंचा कन्यागिरी ऑफनेज में। उसके बाद वो 10वीं तक सेंट अलोशियस स्कूल में पढ़ा, पर वो लड़का कौन है यह मैं जान पाया इस कैंपस में आने के बाद, वो भी उसके पढ़े इस क्लासरूम में आकर। बताओ, बिना बाप के नाम वाले एक नाजायज बच्चे को जिसे मेरी पॉल ने जन्म दिया था, वो तुम ही हो ना? श्री, मैं ऑर्फनेज और स्कूल के रिकॉर्ड बुक में मैंने मिलन पॉल नाम देखा था, वो तुम ना हो इसके लिए मैंने आखिरी मिनट तक प्रार्थना की थी। इसी क्लास में मैं तुमसे पहली बार मिला था, तुमसे दोस्ती की थी। जब मैंने जाना कि तुम एक अनाथ हो, तब तुम्हें एक दोस्त से बढ़कर मैंने चाहा। फिर भी तूने मुझे। श्री, अब मेरी बात भी तुझे सुननी होगी। अब तुम क्या कहना चाहते हो? वो मिलन पॉल तुम नहीं हो? नहीं, स्कूल में और अनाथाश्रम के रिकॉर्ड में जो तुमने नाम देखा वो मेरा ही था। एक समय ऐसा था जब अखबार और लोग पणजी के उस लड़की मैरी पॉलोस के बेटे को उसी नाम से बुलाते थे जो नाम थोड़ी देर पहले तुमने बताया, द रियल बास्टर्ड। बस इसके बाद मुझे सिर्फ एक ही बात जाननी है, एडवोकेट नारायण सिंह को मारने वाले और जिस पांचवें आदमी को हम ढूंढ रहे हैं वो तुम ही हो ना? हाँ। तो इतने सालों तक मेरे साथ ही रहकर मुझे धोखा देता रहा ना? नहीं श्री, तेरी आंखों से आंखें मिलाते हुए बिना डरे मैं ये कह सकता हूं कि मैंने तुझे कभी धोखा देने की कोशिश नहीं की। तुम्हें सब कुछ पता चल चुका है, ये जानकर ही सारा सच मैं यहां तुम्हारे सामने बताने आया हूं यार। जब अरेस्ट होने का समय आया तो सच तो बताना ही था, है ना? तुझे जो पसंद हो वो कह सकता है मुझे यार, दुष्ट कह ले, पागल कह ले, बेवकूफ कह ले, लेकिन उससे पहले तुझे वो सुनना होगा जो मैं कहना चाहता हूं। जैसा कि तुमने कहा श्री कि 19 लोगों की रेप की वजह से मैरी गर्भवती हुई थी, यह मुंबई में पहली बार था जब उस रेप केस का जश्न कोर्ट में मनाया जा रहा था, तब मैं पैदा हुआ। काले कोट और खाकी को देख देख कर मैं बड़ा हुआ। इस तरह से मेरे बचपन की शुरुआत हुई। कोर्ट की चौखट या वरंडा पर ही मैं सोता था। तुमने ही उन लोगों को जानबूझकर वहां बुलाया, उन्हें फंसाकर ब्लैकमेल करने की कोशिश की। कोर्ट के अंदर जब किसी की इज्जत की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, तब एक औरत के दर्द को मैंने बहुत करीब से अपनी माँ के रोने में देखा था, जो आज तक मेरा पीछा कर रही है। नारायण सिंह जैसे ब्रिलियंट वकील के परफॉर्मेंस से प्रभावित होकर उसके पक्ष के सारे लोग बाइज्जत रिहा हो गए। उसके बाद मेरी माँ सिर्फ 2 महीने ही जिंदा रही, म्युनिसिपैलिटी के किसी बागीचे में। मेरे दादा और दादी मजदूरी करते थे, उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, तब मैं उन्हें एक बोझ लगने लगा। उस समय एक लोकल नेता ने सलाह दी कि मेरे सहारे सेक्रेटेरिएट के सामने सरकार के खिलाफ एक अनशन करें। अनिश्चित काल के लिए जो अनशन रखी गई थी वो बस 7वें दिन ही पुलिस ने उखाड़ फेंक दिया। बूढ़े दादा और दादी के साथ
मुझ जैसे मासूम बच्चे पर भी पुलिस ने अपना अत्याचार किया। उस हादसे के कुछ ही दिनों बाद मेरे दादाजी चल बसे और उसके कुछ ही दिनों बाद दादी भी। उसके बाद मैं कन्यागिरी के अनाथ आश्रम पहुंचा। पढ़ने में मैं बहुत अच्छा था, इसीलिए ऑर्फेंस के वार्डन ने मुझे ले जाकर सेंट ऑलोसिस स्कूल में दाखिला दिलवा दिया। दोस्तों के साथ पढ़ते पढ़ते मैं अपनी पिछली जिंदगी पूरी तरह भूल गया। बचपन में मेरी बातें शेयर करने के लिए मुझे एक लड़की दोस्त के रूप में मिली। मैं हमेशा उसकी आंखें देखता रहता था। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि वो लड़की मेरा प्यार थी। एक दिन शाम को क्लास से जाने के बाद वो दोबारा वापस नहीं आई। बुरी तरह से रेप होने की वजह से वो मर गई। वो कौन थी उसे तुम अच्छी तरह से जानते हो। सुदक्षिणा, दक्षा की बहन। हाँ, दक्षा की बड़ी बहन। इस कैंपस में मैं तुम्हारे साथ हंसता बोलता तो था, लेकिन अपने दिल के घाव को मैंने कभी नहीं बताया। एक अनाथ होने के अलावा मैंने अपने बारे में तुम्हें कभी कुछ नहीं बताया। और ऐसे ही एक दिन Stop. Can you give me a lift? आ जाओ। तुम दक्षा हो ना? हाँ। मुझे पहचाना? मैं मिलन। पहचान बताने की जरूरत नहीं, जानती हूँ। तो तुम मुझे इग्नोर क्यों करती रहती हो? हम बार बार तो मिलते रहते हैं। मैं तुमसे मिलना ही नहीं चाहती थी। जाओ मेरे खिलाफ केस कर दो। Hey, stop. दक्षा, ये क्या है? दक्षा, क्या हुआ तुम्हें? I lost my car's key. कहाँ? I don't know anything. क्यों दक्षा? क्यों अपने आप को बर्बाद कर रही हो? तो मैं क्या करूँ? Today also I tried to kill him. किसे? उससे ही, मेरी माँ कहलाने वाली औरत का दूसरा पति, मेरी दीदी को जिसने मारा। I'll kill him. मेरे लिए एक नया झटका था ये। 14 साल के बाद भी दीदी को मारने वाले को मारने का बदला दक्षा में वैसा ही था। तब मुझे एहसास हुआ कि दक्षा उसी दर्द को झेल रही है, उसी दर्द के एहसास से गुजर रही है जो न्याय न मिलने से पैदा होता है, सच से दुत्कारने का दर्द। तो फिर ये शेरू, एशली और मोहनचंद? बताता हूँ, ये उस वक्त की बात है जब बाल गंगाधर और एशली का केस चल रहा था। उस वक्त वो खबर मैंने ही रिपोर्ट की थी, बस वही मेरी एशली से पहचान हुई। एक बार एक होटल में मैंने मोहनचंद को देखा। माँ, मेरे पापा है वो। एक फेमस पेंटर मोहम्मद अली उस होटल में उस समय रुके हुए थे। जब मैं उनका इंटरव्यू लेने पहुंचा उस वक्त और तुम क्या चाहिए तुम्हें? वो लगता है मैं गलत रूम में आ गया। जाओ 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 यहां से। यस, हेलो। कुछ एक घंटे के बाद जब मैं मोहम्मद अली के कमरे से बाहर निकला तब मैंने देखा तो फिर अनिरुद्ध के नाम से शेरू के बारे में अखबार में खबर तुमने ही दी थी, है ना? हाँ, जब मैंने अपनी पत्रकारिता शुरू की थी तब ऐसी विवादास्पद खबरों के लिए मैं इस पेट नेम का इस्तेमाल करता था, वो अनिरुद्ध है। तो कब तुमने ये सब कुछ डिसाइड किया? वो 4 कत्ल करने के लिए, दुश्मनों को बदल कर मारना। बदले से ज्यादा ये हमारे लिए एक हास परिहास की बात थी, चाहे कोई कैसा भी हो, लेकिन कानून और न्याय के साथ बुरी तरह खिलवाड़ किया गया था। अपने दुश्मन को खत्म करने के बाद इस न्याय और कानून के बीच जीना
हम लोगों को रास नहीं आया, इसीलिए दुश्मन के साथ मरने का फैसला कर लिया। श्री, जैसा तुम सोच रहे मैंने वैसा तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान तुमने जो भी काम मुझे सौंपे उसका मैंने कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं किया। मुझसे जो कुछ भी हो सकता था मैंने उतनी तुम्हारी सहायता की जो आज भी कर रहा हूं। हो सकता है, लेकिन इस सिचुएशन में मैं तुमसे जरा भी दोस्ती नहीं निभा पाऊंगा। तुम मेरी सहायता की पहुंच से बहुत दूर जा चुके हो, अब तुम्हें इन दोनों के साथ जाना होगा। अभी जो कुछ तुमने मुझे बताया वो सब कोर्ट के सामने भी बताना होगा। उसके अलावा अब तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। चलिए सर। वो मेरे ऑफिस की बाइक है, उसे कोई लेकर जाएगा, मैं किसी को बुला देता हूं। What the hell did you do?
Why the bloody damn? गन पॉइंट से उसे जाने दिया? आई नो द रीजन, फ्रेंडशिप। लेकिन मैं ये बता सकता हूँ, इसी दोस्ती की छाव में छुपने के लिए उसने ये खेल खेला था। आई एम श्योर ही वॉज एक्सप्लॉइटिंग योर फ्रेंडशिप। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता सर। वॉट? अगर वो हमारी दोस्ती को एक्सप्लॉइट कर रहा होता तो इस इन्वेस्टिगेशन में कई बार वो चाहता तो मुझे कहीं भी भटका सकता था, लेकिन हर बार मैं उसके करीब आता गया ये जानकर भी उसने रोकने की कोशिश नहीं की। तो तुम अभी भी मानने को तैयार नहीं हो, फिर मैं क्या समझाऊं तुम्हें। लेकिन तुम्हारी दोस्ती की वजह से अगर एडवोकेट नारायण सिंह को कुछ हुआ तो फिर उसके जवाबदार सिर्फ तुम होगे। नहीं सर, आपका एक सबॉर्डिनेट ऑफिसर होने के नाते या मिलन का दोस्त होने के नाते मैं वादा करता हूँ, एडवोकेट नारायण सिंह को ही नहीं किसी को भी मिलन पॉल नहीं मार पाएगा। हेलो, मैं हुशी। मिलन तू खतरे में फंसता जा रहा है, इससे तुझे पीछे हटना होगा। नहीं श्री, अब मैं पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि अब इसका नाम सिर्फ बदला नहीं है, यह कर्म है मेरा। मिलन, तेरे नारायण सिंह को मार देने से समाज में कुछ नहीं बदलने वाला, एक गिरेगा तो 10 लोग खड़े हो जाएंगे। मैं जानता हूँ पैसे के दम पर नारायण सिंह को बचाने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन एक औरत की भावना से खेलने वाला मरेगा ये मेरे लिए काफी है। और जब उसे मारने के लिए मैं हूं तो दूसरों के जैसे मैं अपनी जिंदगी नहीं जी सकूंगा। श्री, तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा और सरेंडर करूंगा। तुम मेरे पास आकर सरेंडर करोगे ये मैं जानता हूं, लेकिन एडवोकेट नारायण सिंह को मारने के बाद नहीं। उस हेलो हेलो मैं देश के किसी पुराने क्रांतिकारी का बेटा हूं अखिल, ये समझकर तुम्हें यहां मेरे पास ले आया, लेकिन सभी को ऐसा ही सोचना चाहिए, इसलिए पूछ रहा हूं। मेरे बारे में सुनने के बाद तुमने क्या सोचा नेहा? जो कोई भी तुम्हारी सिचुएशन में होता वही करता जो तुमने किया। बोलो क्या हेल्प चाहिए तुम्हें? अगर मैं सही कह रहा हूं तो ये नारायण सिंह का फोन आया होगा तुम्हारे पास कॉम्प्रोमाइज मीटिंग के लिए। हाँ, उसने 2 दिन पहले मुझे इसी बात के लिए फोन किया था, लेकिन उस समय मैंने उससे रूडली बात की थी। अब ऐसा नहीं करोगी तुम, उसे फोन करो और उसे बोलो कि इस महीने की 17 तारीख को होटल इंपीरियल सूट में, जैसा कि उसने पहले ही कहा था, एक कॉम्प्रोमाइज मीटिंग के लिए तुम्हें खुद उसे बुलाना होगा। मेरा नारायण सिंह तक पहुंचने का यही एक सेफेस्ट वे है। तुम दोनों की मीटिंग कुछ केसों के जरिए जरूरत से ज्यादा बेहिसाब दौलत कमाने की वजह से भूतपूर्व सुप्रीम जज देवराज राणे पर आरोप, जिसे कुछ वकीलों का समर्थन प्राप्त है, इसी महीने की 17 तारीख को होटल इंपीरियल सूट में। एडवोकेट नारायण सिंह ही उस कमेटी का हेड है। मिलन, इस बीच कुछ भी करने में बहुत खतरा है यार, और मैंने सुना है कि कुछ लॉयर्स, कुछ सामाजिक वर्कर्स सब मिलकर उसी रोज वहीं पर कोई रैली निकालने वाले हैं। मुझे पता है कि एसपी से लेकर सारी पुलिस उस वक्त होटल के सामने इंतजामात में ही लगी होंगी, इसलिए मैंने उसी 17 तारीख को अपना फंक्शन तय किया है। उस दिन सभी लोगों की आंखें सुप्रीम कोर्ट के उस जज के सम्मान कार्य पर ही लगी रहेंगी, बस एक को छोड़कर। सिर्फ एक इंसान ऐसा होगा जिसे अगर हमने धोखा दे दिया तो हमें कामयाबी मिल जाएगी। क्या कर रहे हो एसपी तुम? भीड़ को देखकर मजे लेते खड़े रहने के लिए है तुम्हारी फोर्स? लिसन, विदिन 10 मिनट्स हमारे चीफ गेस्ट आ रहे हैं, अगर उन्हें कुछ हुआ तो समझ लेना। उन्हें कुछ ना हो जाए आपको खुद ही देखना होगा। आपके इस फंक्शन में आपके चीफ गेस्ट से ज्यादा यहाँ की पुलिस चाहती है कि हमेशा के लिए यहाँ शांति बनी रहे।
हेलो हेलो मैं नेहा। हाँ नेहा बोलो। मैं अभी होटल के पास ही हूँ, यहाँ पुलिस और लोगों की भीड़ है इसलिए अंदर नहीं आ सकती। हाँ वो तो है, मैं जल्दी फ्री होने की कोशिश करता हूँ। मैं वेट करूँगी, यहाँ होटल के पीछे कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मैं वहीं मिलूंगी। ओके। हटो पीछे हटो। सर आजा। सर यहाँ का माहौल बहुत ही खराब हो चुका है। क्या कहा? यहाँ इतनी पुलिस है तुम्हें लोगों को भगा नहीं सकते? नहीं बिल्कुल नहीं सर, इनको भगाने जितनी फोर्स हमारे पास अभी नहीं है, लेकिन अगर हमने इनके ऊपर लाठी चार्ज कर दिया तो ये आपके लिए भी घातक हो सकता है सर। अब आप ही बताइए हम क्या करें। हड़ो, हड़ो। सर प्लीज वापस चले जाइए। ड्राइवर गाड़ी पीछे लो। जहाँ कहा था मैं उसी होटल के पीछे वाली कंस्ट्रक्शन साइट पर हूँ। तुम कहाँ हो? हेलो नेहा, मेरी आवाज आ रही है ना? ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? हाँ तुम जानते हो मुझे अच्छी तरह से, इसी जबान से तुमने कई बार मारा है ना, उसी बदनसीब औरत मैरी पॉल का बेटा हूं मैं। तुझे खत्म करने के लिए अब तक इस मौके को मैं तलाश कर रहा हूं। Thank you.
मिलन मेरी बात तो सुन। श्री छोड़ मुझे, श्री छोड़ मुझे, श्री मिलन। मिलन बस कर, बस कर। मिलन, मिलन नहीं, मिलन नहीं। मुझे तू चाहिए मिलन, मेरी बात सुन।